मेरी आप अगर पूछेंगे तो ऑब्वियसली बिफोर यू आस्क दोस्त हैं देबुलिना, आई वुड वॉन्ट हर टू डू वेल. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ट्रैक इधर उधर हो रहा है, बट जैसे वो शुरू में बहुत अच्छा कर रही थी, आई वॉन्टेड टू डू एग्जैक्टली द सेम शी इज डूइंग. बट शनाज इज माई फेवरेट, आई लव हर, आई थिंक शी इज वेरी क्यूट एंड बट दोस्ती दोस्ती है, आई वॉन्ट देबू टू विन. सिद्धार्थ डेफिनेटली, आई थिंक सिद्धार्थ देबो एंड आसिम और शिफाली आई गेस. देखो ये एक रियलिटी शो है और ये कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है, ये कोई सास बहू ड्रामा नहीं है कि अच्छा ये तो सिर्फ एक्टिंग थी, लोग इसको सच मानते हैं. सो द वे यू आर, जैसे समा मैंने बहुत सही बोला कि आप लोगों को इससे अपना करियर बनाना है और उसके बाद अगर आपको इस तरह अगर लोग देखेंगे प्रोड्यूसर तो बोलेंगे आपको भाई नहीं लेंगे बिकॉज ये तो कभी भी कुछ भी गाली बोल सकता है, कभी भी कुछ भी ऐसे मार सकता है. सो नो प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू वर्क विद समबडी हुज़ गॉट दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. लॉट ऑफ पीपल इन द हाउस हैव. वहाँ गया था ये दिखाने के मैं वैसा नहीं हूँ, सिर्फ हम लोग मिले गए थे, एक अच्छी चीज़ होगी. हाँ यही करने गए थे, यही करने गए थे, नहीं थोड़ा पैसा कमाने भी गए थे, वो कमा लिया. बट लोगों को ये दिखाने गए थे कि जो लोग उम्मीद करते हैं और अज्यूम करते हैं कि बिग बॉस में जाके आपको एक तरीके का रवैया, एक तरीके का बर्ताव रखना है लोगों के सामने, अच्छा दिखने के लिए, प्रोमिनेंस में आने के लिए, कैमरा में दिखने के लिए, वो सब की ज़रूरत नहीं होती. आप जेन्युइन रहकर, अच्छे रहकर, अपने उसूलों को फॉलो करके भी लोगों का दिल जीत सकते हैं. तो मैं हमेशा से ये कहता आया बिग बॉस के बारे में, मैं ट्रॉफी जीतने नहीं गया था, मैं दिल जीतने गया था और वो मैंने जीता. नहीं यार, मतलब आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट शो. मैं ना पहले बहुत रिपल्सिव था बिग बॉस में जाने के लिए, बट आई थिंक आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ शो. वो एक गेम शो है जहाँ पे वो आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं. सो आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट. मेरे अंदर वो है नहीं, हम नहीं फाइट नहीं, बट आई थिंक यार आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर. हिज सेंटेंस इज वेरी करेक्ट दैट यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू डू अ बिग बॉस, बिकॉज इवेंचुअली इफ यू विल मेक मी सिट विद माई बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो इन अ हाउस अंडर कैमराज, वी विल इवेंचुअली फाइट बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. इट्स वाओ, आई एम इंप्रेस्ड. नहीं बट मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप एक और चीज़ कहना, एंड बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड वाई आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी आउट हियर बिकॉज आई हैव नॉट सीन द शो, बट आई ऑलवेज फील दैट पीपल आर परसीव्ड इन अ सर्टेन वे बिकॉज ऑफ वॉट वी सी. You see the most मसालेदार वना. अरे यार पूछो मत, मेरे आंसू निकल रहे हैं. आई एम मिसिंग हर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. कल मैं बिग बॉस के सेट पे तो नहीं गया था, ऑफ कोर्स वहाँ पर डिस्कशन के लिए गया था और मैंने तो बोला यार प्लीज़ मी टीवी के थ्रू ही दिखा दो मुझे, बट उनके फॉर्मेट में नहीं था तो आई कुडंट सी हर. बट मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू परीन. आप इतना अच्छा खेल रहे हो, इतने ग्रेसफुली खेल रहे हो और जो लोग अंदर इतना गंदा खेल रहे हैं आप उनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैंडल कर रहे हो. आई नो मेरा मन करता है मैं वहाँ जब छोड़ दूँ उन लोगों को, बट स्पेशली एक आदमी को, वो आप सब लोग समझ रहे हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. आज सलमान सर ने भी उसको बोला कि तुमने बहुत गलत कमेंट किया था, तो आई वॉन्ट जस्ट गो एंड बैश हिम. लेकिन आप प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, आई एम विद यू और आप वहाँ से जीत के ही वापस आओ. नहीं एग्रेसिव की बात ही नहीं है वो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई एम सो फकिंग एंग्री राइट नाउ ऑन हिम कि वो भाई भाई बोलता है. भाई तो तेरा बाद में हूँ, पहले वो मेरी बीवी है, वो मेरी, उसने यही बोला वो तू तेरा भाई है तो मेरा पति है वो. तो इट्स अबाउट टू यार, एक चोर भी होता है ना, वो अपना घर छोड़ के चोरी करता है, उनके भी असूल होते हैं. उस आदमी ने ब्रो कोड तोड़ा है, एक लड़कों का भी एक कोड होता है, दोस्तों का कोड होता है, उसने वो ब्रो कोड तोड़ा है और वो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा. मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूँ मैं कब मेरे सामने आए और मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा. आई थिंक मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है मेरा उसके ऊपर. किस पे? अरे सलमान सर के साथ तो हमेशा इट्स ऑलवेज फन. उनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ काफ़ी बार और सेट पे मैं उनसे जब भी मिलते हैं, गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ हाँ, मतलब कि बॉम्बे आने का सब वसूल हो गया हम लोगों को. और जितना प्यार वो देते हैं, जितना कम्फर्टेबल वो कर देते हैं सब लोगों को, वो सबसे अच्छी बात है. और यार उनसे बड़ा आज तक का सुपरस्टार कोई नहीं हुआ है क्योंकि वो यहाँ से भी सुपरस्टार है. देखिए पहले तो किसी ने अगर ये बोला होगा कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो बहुत गलत उनकी रीडिंग थी, क्योंकि शिफाली ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया घर में जाके, एक हफ्ते तक कुछ नहीं उसने किया क्योंकि बाकी सब लोग जाते ही
उनको लगता है कि हम गाली गलौज करेंगे वहाँ पर लड़ाई करेंगे तो हम लोग फ्रेम फील्ड में आ सकते हैं, फुटेज ले सकते हैं, लेकिन परी ने कुछ नहीं किया और वो अभी तक ना उसने कभी किसी भी इशू के ऊपर गुस्सा किया है ना लड़ाई की है। जहाँ लड़ाई होती है निकल जाती है, भाई इस टेम्परामेंट में मैं किसी से बात नहीं करूँगी, तो वो बेसिकली गेम नहीं खेल रही है, शी इज़ बीइंग हरसेल्फ। वो जैसी रियल लाइफ में है वो वैसे ही बिग बॉस के हाउस में है, जैसे हमारे घर पे है वो बिग बॉस के घर में भी सेम है। आज भी उसने बहुत अच्छी बात बोली, ही वॉज ऑलमोस्ट इमोशनल आज जब उसको आसिम को समझा रहा था कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और अगर मैं मुझे मेरी सिर्फ आदत है, मेरी बहन ने मुझे देती थी अच्छा तू मेरे हिस्से का खा ले, तू एक्स्ट्रा खा ले, लेकिन मैं तुझे दिया, मतलब दिस इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि तू मेरा छोटा है तो आई कि मेरा छोटा भाई मुझे मिल गया है। तो वही सर, उसने बहुत अच्छी बात बोली आज, वो थोड़ा इमोशनल भी हो गया था वहाँ, आसिम को थोड़ा समझना चाहिए। तो यार गलती दोनों की है, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी दोनों की बॉन्डिंग को मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि दोनों भाई हैं, भाई जैसे वो होती है दोस्ती यार जो जान देने के लिए तैयार हो। आसिम तो मतलब पागल, ऐसा दोस्त लाइफ में सिद्धार्थ मिल गया है वो लड़का, तुम्हें उसको छोड़ना मत दूंगी। मैं अभी बता दूंगा तो फिर वहाँ जाके कोई फायदा ही नहीं है, नहीं मैं तो सिर्फ परी को हग करके खड़ा रहूँगा बस थोड़ी सी काफ़ी देर बाद। ऐसे मैंने कहा अभी भाई मुझे किसी को कुछ नहीं बोलने का है, वो घर के बाहर तो निकलोगे ना तुम तब देख लूँगा सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।